आगे बढ़ते हैं। संसद में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर हिंदू संतों में भी नाराजगी देखी गई, आपको सुनवाते हैं। 99 सीटें हैं और कोई भी हिंदू धर्माचार्य कांग्रेस की टिकट पे नहीं लड़ रहा है और ना ही एक थे वो, उनको भी उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया। खैर इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं, उनकी पार्टी है वो कुछ भी कहें, पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है, हिंदू धर्म रक्षक होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में हिंसक कहा, ये दुखद है, अति निंदनीय है, इसका निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, क्योंकि बहुसंख्यक समाज के देश में, हिंदुओं के देश में और देश के उस मंदिर में हिंदुओं के साथ ही अपमान करना, हिंदुओं को ही हिंसक कहना, ये दुखद है, अति निंदनीय है। मैं कदापि नहीं झुकने वाला हूँ, ना रुकने वाला हूँ, ना टिकने वाला, मैं अडिग हूँ, मैं कभी टिकने वाला नहीं, मैं अडिग हूँ और मैं यह संवाद पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के सनातनियों को, पूरे देश के सनातनियों को देना चाहूँगा कि समय है अभी भी जग जाओ, समय है अभी भी सचेत हो जाओ, समय है अभी भी सजग हो जाओ, समय है अभी भी अपने नेतृत्व को पहचानो। बीजेपी की ओर से एमएलसी प्रत्याशी बहुरन लाल मौर्य आज पर्चा भरेंगे। दोपहर में 12:45 पर नामांकन दाखिल किया जाएगा। सीएम योगी भी उनके नामांकन में शामिल होंगे। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है। ओबीसी चेहरे के तौर पर पूर्व मंत्री बहुरन लाल मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया। बहुरन लाल मौर्य बरेली की भोजपुरी सीट से विधायक रह चुके हैं। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय है।